फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद रंजना। आज मैं बताने वाली हूँ अपने किचन के खजाने से बहुत ही इफेक्टिव तीन टाइप के ये फेस पैक्स हैं। जैसे कि आजकल हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे अपनी स्किन की केयर करें, आप इन फेस पैक्स को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। क्योंकि ये केमिकल फ्री हैं, घर में बने हुए हैं, तो हमें पता है हम क्या यूज कर रहे हैं, बहुत ही प्रूवन है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप वो कर लें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो थम्स अप करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल में मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ हर वो चीज, अच्छी चीज शेयर कर पाऊँ, चाहे वो रेसिपी हो या होममेड हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, जो कि हमारे लाइफ की ब्यूटी को इनहेंस करते हैं। तो आइए बनाते हैं ये तीन फेस पैक्स। इनका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो बेसन है। तो बेसन में अल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे पीएच वैल्यू को स्किन के बैलेंस करता है। नॉर्मल बेसन है ये, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। ये हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है, मॉइस्चर को हमारे बैलेंस रखता है स्किन के। डल स्किन को तो रिमूव करता ही करता है, और ट्रेडिशनली ये बहुत सालों से जो यूज़ किया जा रहा है एज ए क्लेंजर। इसमें ये देखिए, पहला फेस पैक जो हम बना रहे हैं कर्ड और बेसन का है। तो मैंने ये बेसन में 2 चम्मच के करीब दही मिला लिया है, नॉर्मल दही है ये, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो दही में जिंक पाया जाता है, नेचुरल ऑयल एंजाइम्स होते हैं, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन को चमकदार और ब्राइट बनाता है। जिंक हमारे एक्ने को ठीक करता है, और ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है, ड्राई टू नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। तो सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैं अपने हाथों पे अप्लाई करके आपको बता रही हूँ। और अच्छे से वॉश करके हम इसे ये ब्रश के हेल्प से या फिर फिंगर्स की हेल्प से हम पूरे फेस पे, नेक पे इसको अप्लाई कर लेंगे। 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद नॉर्मल पानी से हम इसको वॉश कर लेंगे। इसको हम हफ्ते में 2 से 3 बार तक हम यूज़ कर सकते हैं इसे। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। ऐसे ही छोड़ के हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब बनाते हैं अपना सेकंड फेस पैक। तो इसे मैं बेसन और टमाटर से बना रही हूँ। तो एक नॉर्मल हमने टमाटर लिया है, और इसको मैं काट के मिक्सी में पीस लूँगी। इसका हमें पल्प यूज़ करना है इसमें। तो टमाटर तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है स्किन के लिए। इसमें विटामिन सी होता है, जो कि हमारे रिंकल्स को और फाइन लाइन को रिमूव करता है। तो इसके लिए मैंने लगभग 2 टेबलस्पून बेसन और एक छोटा जो टमाटर है उसका पेस्ट मैं बना रही हूँ। इसको भी हम हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। टमाटर में जो नेचुरल एसिड होते हैं, ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम करते हैं, टैनिंग को रिमूव करते हैं, डार्क स्पॉट को और पिगमेंटेशन को। तो ये जो तीनों फेस पैक आज मैं बता रही हूँ, तीनों ही ऑल टाइप स्किन के लिए हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार हमें यूज़ करने हैं, और लगाने का मेथड भी स्किन को अच्छे से वॉश करके उसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे फेस पे 15 से 20 मिनट। बहुत ही इफेक्टिव हैं, गर्मियों में बेस्ट हैं। अब ये तीसरा फेस पैक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है बेसन और ग्रीन टी का। तो ग्रीन टी हमें पीने के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्किन को रिपेयर करते हैं, डल स्किन को, जो हमारी डलनेस आ जाती है कभी कभी फेस पे, उसको रिमूव करते हैं, और स्किन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं। और बेसन तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत ज़्यादा हमारे स्किन के लिए सालों से हमारी मम्मी दादी इसको यूज़ कर रही हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इन तीनों फेस पैक को कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ग्रीन टी में मिक्स कर लिया है, और इसको भी हम सेम उसी तरीके से पहले अच्छे से वॉश करके फेस को और नेक को। तो आप इसे हाथों पे, पैरों पे, फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी जैसे भी आपको यूज़ करना है, उसी आप इसी प्रोपोर्शन में हम इसे उसी क्वांटिटी में बना लेंगे। इंस्टेंट इसका आपको फ़र्क दिखाई देगा स्किन पर। तीनों ही फेस पैक इंस्टेंट ग्लो के लिए, ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है।
तो आप इनको यूज़ कीजिएगा। अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे लगे ये टमाटो का, ये दही का और ये ग्रीन टी का फेस पैक। अच्छे लगे हो तो शेयर कीजिएगा ये वीडियोस को। गर्मियों के लिए खास ये फेस पैक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।